हाय एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर थर्ड को, और चैप्टर थर्ड में हमारा टॉपिक होने वाला है आज आयंस। ठीक है, कि आयन होता क्या है? ध्यान दीजिए, आयन वो स्पीशीज है जिसके ऊपर चार्ज होता है, जिसके ऊपर चार्ज होता है। और चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो एन आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ आयन, कौन कौन से? एक तो कैटायन होगा आपका और एक एनायन होगा। ठीक है, अब ये बनेंगे कैसे? कैटायन कौन सा होगा, एनायन कौन सा होगा? देखिए, जो कैटायन होगा वो होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज। वो क्या होगा आपका? पॉजिटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे वो क्या होंगे आपके? कैटायन होंगे। और एनायन क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज वो क्या होंगे? वो आपके एनायन होंगे। अब बात करेंगे बनेंगे कैसे, ये बनेंगे कैसे। देखिए, जो आपका कैटायन होगा वो कैसे बनेगा? कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक काम करो, इसको थोड़ा और बेटर करो। बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे यहां पे देखिएगा, सपोज कीजिए एन ए है, सपोज कीजिए एन ए है। एन ए से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो क्या बनेगा? कैटायन। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया कर दे इसने, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के चला गया। हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और क्या बना मेरे पास? एक कैटायन बन गया। ओके, ये चोक थी। ओके, एनए से क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो एनए पॉजिटिव। देखिए, डिस्कस करेंगे हम कि अब केवल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आप इनको नोट कीजिए, ठीक है, आप इनको नोट कीजिए, आपको मौका मिलेगा नोट करने का, पूरा पूरा ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, एनए से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, क्या बन गया? ये एनए पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ एनए में और एनए पॉजिटिव में। ठीक है, देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर गया, एनए पॉजिटिव आ गया। ओके, सबको बताया। मुझे बताइए, क्या एनए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। जब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास? प्रोटॉन होंगे 11। अच्छा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? 11 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। ओके, लेकिन हम एनए पॉजिटिव की बात करते हैं, तो एनए पॉजिटिव में प्रोटॉन कितने होंगे? एनए पॉजिटिव में प्रोटॉन होते हैं 11। ओके, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? वो होंगे 10। क्योंकि ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आयनिक स्पीशीज होगी, आयनिक स्पीशीज होगी, स्पीशीज होगी, उसके जो न्यूट्रल एटम होगा उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम होंगे। आयनों में अपने न्यूट्रल एटम से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे। ओके, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है कि जो मोस्ट ऑफ जनरली मैं कहूँ, जनरली जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जो मेटल होते हैं वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ओके, और एक बात और भी है, आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर गई, वन इलेक्ट्रॉन गया ना बाहर निकल कर, तो कितना यूनिट चार्ज आया? वन यूनिट चार्ज आया। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करता हूँ, मैग्नीशियम, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर गए, तो इस पर टू पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? टू पॉजिटिव। फिर अच्छा, यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करें, जो एटॉमिक नंबर है इसका मैग्नीशियम का, वो कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन ही होंगे इसमें 12। ओके, प्रोटॉन कितने होंगे? 12। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 12। लेकिन बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने होंगे? मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स होंगे 12। ओके, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें?
इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें 10 बच्चे, ठीक है। फिर हम बात, अच्छा देखो, दो इलेक्ट्रॉन भर गए, दो यूनिट चार्ज, टू पॉजिटिव, एल एल्यूमिनियम, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर गए तो कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, थ्री पॉजिटिव आएगा। ओके अच्छा वही बात, इसका एटॉमिक नंबर क्या है एल्यूमिनियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टेबल दी थी, ठीक है, आपने जरूर याद किया होगा, 13 होता है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन 13 होंगे इसमें, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन 13 होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 10, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 10। ओके ये सब क्या हो गया आपके कैटायंस हो गए, ये सब क्या होंगे कैटायंस आ गए, पॉजिटिव आयन है सब तो आपके कैटायन है। फिर हम बात करते हैं चलो एनायंस की, एनायंस एनायंस ये कैसे बनते हैं, एनायंस फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन्स ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके जैसे आपको नेगेटिव, देखो ये एनायन क्या है, जिन पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, एनायन क्या है नेगेटिव चार्ज वाले, जैसे कि सीएल है, क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। और देखिए मैंने आपको आयन की डेफिनेशन में कहा था ये एक एक बी आयन हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, मतलब एक बी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं और जो ग्रुप ऑफ एटम होता है जैसे NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, उनके ऊपर भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सीएल नेगेटिव एक एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, SO4 नेगेटिव ये क्या है ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए दो नेगेटिव चार्ज आएंगे, और जैसे कि NO3 नेगेटिव, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव, ETC। देखिए हम आपको आयनिक कंपाउंड भी पढ़ाएंगे, ठीक है, आयनिक कंपाउंड भी पढ़ाएंगे, आयनिक कंपाउंड में क्या होगा आपका उनके नाम भी लिखेंगे, ठीक है, और हम आयन से मिलकर बनेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बनते हैं, कैटायंस है और एनायंस है। खैर तो देखते हैं ये बने कैसे, ध्यान दीजिए क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव, ध्यान दीजिए हमने Na पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, ओके Cl में हम एक इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा हम ऑक्सीजन एटम देख लो, ऑक्सीजन एटम को अगर हम दो इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तो O2 नेगेटिव। ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बनाएगा N3 नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो उसी हिसाब से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। अगर हम यहाँ पे इन तीनों स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं, देखिए सबसे पहली बात एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का, कितना होता है 17 होता है ना, 17 होता है। अच्छा तो क्लोरीन में हम यहाँ फिलहाल यहीं पे बात करें तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे लिख लो 4 क्लोरीन, क्लोरीन में प्रोटॉन कितने होंगे 17, ओके। और बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी क्या होंगे 17, लेकिन अगर हम बात करते हैं 4 Cl नेगेटिव आयन, 4 क्लोराइड आयन, इसका नाम क्या है क्लोराइड, बाद में बताएंगे आपको, और Cl नेगेटिव आयन वो कितना होगा, अच्छा प्रोटॉन कितना होंगे इसमें, प्रोटॉन्स होंगे इसमें 17, ओके। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा 18, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इसने, कितने हो गए भैया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये भी कह सकते हैं जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी उस स्पीसीज में
न्यूट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन में देख लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, कितना होता है, 8, भाई 8 होता है ना एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने, 8, प्रोटॉन कितने, 8। लेकिन O2 नेगेटिव की बात करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें 10, 8 इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रल की बात करते इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8 थे ना, प्रोटॉन भी कितने थे इसमें, 8 थे। लेकिन अब क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, 10 होंगे, और ध्यान दो प्रोटॉन भी इसमें 10 ही होंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 7। जब आप कॉपी में लिखोगे इसको तो आप नाइट्रोजन के लिख लेना, नाइट्रोजन क्या होता है एटॉमिक नंबर 7। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 7। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 7। लेकिन जब N3 नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 7 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो कितने हुए इलेक्ट्रॉन इसके पास, कितने हुए इसके पास इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। ओके, नोट कीजिए सब इसको, चलिए बात करते हैं वैलेंसी ऑफ आयन की, वैलेंसी ऑफ आयन्स की। वैलेंसी ऑफ आयन्स की तो क्या होती है वैलेंसी ऑफ आयन्स की, देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं फॉर्मूला लिखना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है सीखना वैलेंसी ऑफ आयन, ठीक है, और आपको यहाँ पे आयन के नाम भी याद कराए जाएंगे। हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें कि जो आयनिक कंपाउंड है उनके फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, हो सकता है इसी वीडियो में बात करें, देखेंगे वीडियो लंबी तो नहीं होने की, ठीक है। देखिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से। चलिए बात करते हैं वैलेंसी ऑफ आयन की, वैलेंसी ऑफ आयन होता क्या है, वैलेंसी ऑफ आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, चार्ज ऑन आयन। जो वैलेंसी है आयन की, किसी भी आयन की, वो क्या होगा, जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा वो क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। ओके, जैसे हम बात करते हैं सोडियम आयन की, सोडियम आयन है, ध्यान दीजिए मैं आपको क्या करता हूँ मैं यहीं पे आपको इनके नाम भी लिखा दूँ, है ना। जैसे सोडियम आयन है, हम पता लग गया सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन है आपका यहाँ पे ये, पोटेशियम आयन है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। पोटेशियम आयन है, वैलेंसी होगी 1। ओके, और आपका मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है आपका, देखिए ये इनके नाम भी है, ठीक है, ये इनके नाम भी है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ मैग्नीशियम आयन, ये रहा एल्यूमिनियम आयन, Al3 पॉजिटिव। ध्यान दीजिए मैं तीन आपके यहाँ पे ऐसे लिखे हैं जो एक ही एटम से मिलके बने हैं, किसे मिलके बने, एक ही एटम से मिलके बने हैं। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिखूंगा जो ग्रुप ऑफ एटम होंगे, जैसे कि अमोनियम, जैसे कि अमोनियम, ये क्या है आपका NH4 पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव, है ना। अच्छा ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वाले, मैं नेगेटिव वाले भी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक। कैल्शियम हो गया, जैसे कि हालांकि कैल्शियम ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, कैल्शियम क्या हो गया Ca2 पॉजिटिव, पर आपको पता होना चाहिए। ओके, और नेगेटिव वाले देख लीजिएगा, सल्फेट, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, मैंने Cl की बात की थी, क्लोराइड, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ठीक है। ब्रोमाइड अगर आएगा, इन सब है ना यहाँ पे, एक आपने पीरियड टेबल अगर देखी होगी, अब लास्ट से सेकंड कॉलम में आइए, जो लास्ट वाली है उसे इधर वाली कॉलम में आइए, आपको देखेंगे FClBr, वो सब क्या है, हेलोजन्स है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ब्रोमाइड क्या होगा, Br नेगेटिव, F नेगेटिव फ्लोराइड, I नेगेटिव आयोडाइड। ओके, और हमारे पास सल्फेट हो गया, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ये क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। तो ये हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है, और कुछ आपको जब हम फॉर्मूला लिखेंगे आयनिक कंपाउंड का कुछ वहाँ पे बताएंगे, ऐसे बाद में कुछ छूट जाता है,
सब वहां पर आ जाएगा आपका। और देखिए अब इनकी वैलेंसी की बात करते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वन वन टू वन वैलेंसी, ध्यान दीजिए वन वैलेंसी। ओके टू वैलेंसी, ध्यान दीजिए टू वैलेंसी, वन वैलेंसी, वन वैलेंसी और थ्री वैलेंसी। ध्यान दीजिए माइनस थ्री माइनस वन प्लस टू, ये चार्ज होते हैं, वैलेंसी होती है, वैलेंसी वन टू थ्री इस तरीके से होती है। ओके तो ये क्या होगी आपकी वैलेंसी होगी। अब हम लिखते हैं आयनिक कंपाउंड्स के नेम, और आयनिक कंपाउंड्स क्या है मेनली, मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन हम पहले इनके नाम लिखेंगे। ठीक है पहले हम इनके नाम लिखेंगे, ठीक है नाम लिखते हैं इनका, नोट कीजिए आप इनको। देखिए आप नोट करते हो, एक तरीका होता है स्नैपशॉट ले लो आप, ठीक है फिर वीडियो पॉज कर दो तब लिखो। काम करो, लिख रहता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, काम आएगा है ना, ये काम आएगा। हम इधर लिख लेंगे ना, हम इधर लिख लेंगे, मैं दोबारा लिख दूंगा इनको, मैं फिलहाल रफ कर रहा हूँ। तो लिखते हैं हम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, इनको बनाना सीखेंगे कि ये बनते कैसे। सपोज अगर आप सोडियम क्लोराइड पढ़ते आए होंगे, आपने किसने आपको किसने बताया होगा सोडियम क्लोराइड है, तो हम सीखेंगे वो सोडियम क्लोराइड बना कैसे। ठीक है चलो पहला एग्जाम्पल यही लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। एक बात सुनिए, सोडियम आयन हमें पढ़ा थोड़ी देर पहले, सोडियम आयन क्या था, Na पॉजिटिव। ओके Cl आयन नेगेटिव आयन क्या था, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन। ओके क्लोराइड आयन, हम Cl नेगेटिव नहीं बोलते, क्लोराइड आयन। अब देखिए जब सेम वैलेंसी होती है ना, अपोजिट चार्ज, सेम वैलेंसी अपोजिट चार्ज, तो हम कहते हैं कि इससे कैंसिल हो गया और मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, NaCl। लेकिन जब आपसे कोई पूछता है, ये क्या हो गया एग्जाम्पल नंबर वन, जब आपसे कोई पूछता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जब आपसे कोई पूछता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, Mg टू पॉजिटिव, और क्लोराइड के ऊपर मतलब Cl के ऊपर वन नेगेटिव। तो अब क्या होगा, वैलेंसी भी सेम नहीं है, चार्ज भी सेम नहीं है, ऑब्वियस बात है वो, जब वैलेंसी सेम नहीं है चार्ज सेम कैसे हो जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर, और ध्यान दो हम यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वहां पे चार्ज मेंशन नहीं करते, कि आपने यहाँ पे अगर वन लाए हैं तो वन लाओगे, माइनस वन नहीं लाओगे, आप यहाँ पे वन लेके आओगे और इधर टू लेके आओगे, क्या बना आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन हम यहाँ को वन मेंशन नहीं करते, वन नहीं लगाते यहाँ पे जब कंपाउंड का नाम लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि Mg1Cl2, नहीं, जहाँ पे वन है उसको हम ऐसे ही लिख रहे देते हैं, हम उसको ऐसे लिख रहे देते हैं Mg, और जहां पर टू है या थ्री है उसको लगाते हैं ऐसे। थर्ड हो गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, जैसे Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्लोराइड जो था मेरे पास, वन यहाँ आएगा थ्री आएगा, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, AlCl3। अब हमने बात की यहाँ पे कि इस केक के पास एक था और एक दूसरे वाले के पास क्या था, वन टू और थ्री पॉजिटिव भी थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सॉरी फोर्थ एग्जांपल हो गए, जैसे हम आपसे कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाओ भाई, किसका बनाओ, एल्यूमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके एल्यूमिनियम सल्फेट, आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम क्या होता है, Al3 पॉजिटिव, सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, टू कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, थ्री कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 3। अब ये देखो यहाँ पे ये गलत हो जाता है इस तरीके से, ध्यान दो जो थ्री आया वो थ्री, ये अच्छा SO4 क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है ना, जो थ्री आया पूरे ग्रुप ऑफ एटम पर आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट का यूज करते हैं, Al2SO4 3, यानी मतलब थ्री एच के साथ भी है और ओ के साथ भी है। ठीक है यहाँ पे आप अगर ऑक्सीजन एटम काउंट करते हो तो आप ऐसे नहीं बोलते ऑक्सीजन के एटम चार है यहाँ पे, आप ऑक्सीजन के एटम काउंट करते हो 12,
आप 12 ऑक्सीजन एटम काउंट करते हो यहाँ पे, ओके। सल्फर के कितने एटम काउंट करते हो? 3, ओके। और कुछ बात करते हैं हम, देखिए आप के वीडियो पॉज कीजिए, स्नैपशॉट लीजिए, पर इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं, ये एग्जाम्पल फिफ्थ होगा आपका और लास्ट होगा, ओके। मैग्नीशियम फॉस्फेट की जब अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम के ऊपर क्या था? 2 पॉजिटिव। PO4 के ऊपर क्या था? 3 नेगेटिव। PO4 3 नेगेटिव। तो अब होगा क्या, 3 कहाँ पर आएगा? 3 आएगा यहाँ पर, 2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, Mg3 PO4 का होल ट्वाइस, ऐसा बोलते हैं, होल ट्वाइस, 3 होल थ्राइस, ओके। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, 6th एग्जांपल देख लो, लास्ट नहीं है ये, अमोनियम क्लोराइड। देखो बहुत सारे बना सकते हो आप, ऐसा नहीं है, अगर आप उससे चलते हो तो बहुत सारे बना सकते हो। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, आपको बस आयन पता होना चाहिए, आप उसका नाम बना दोगे। H4 पॉजिटिव, इस बार हमने जो ये लिया, और Cl नेगेटिव। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या बनेगा आंसर, क्या आएगा मेरे पास? NH4Cl, NH4Cl। कार्बोनेट्स, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, कार्बोनेट्स बताऊंगा आपको मैं। कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट्स होते हैं CO3 2 नेगेटिव। कार्बोनेट क्या होते हैं, आप उस टेबल में ऐड कर लीजिएगा एक और, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव। आपसे कोई कहता है कि भाई मुझे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, एग्जाम्पल 7 होगा आपका। आपसे कोई कहता है सोडियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल बताओ, तो फॉर्मूला लिख के बताओ क्या होगा। आप क्या करोगे, सोडियम लिखोगे, Na पॉजिटिव, कार्बोनेट लिखोगे CO3 2 नेगेटिव, 2 यहाँ पाएगा, 1 यहाँ पाएगा, क्या होगा आपका? Na2CO3, Na2CO3। देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आ रहा। आप ऐसे लगते ब्रैकेट लगा भी दोगे तो एक ही कार्बन और NO3 आ जाएगा, ठीक है। आपसे कोई कहता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल 8 होगा आपका, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो आप क्या करोगे, Mg2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, क्या आएगा आपका? MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ओके। तो आज के लिए तो इतना ही करें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे हम आयनिक कंपाउंड से कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ओके।